एवरीवन। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए होटल में वाइट ग्रेवी कैसे बनती है जिसका टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा आपके घर में आएगा। साथ ही इस एक ग्रेवी को बनाकर आप कई तरीके की वेज नॉन वेज रेसिपीज बना सकते हैं और साथ ही साथ इसे स्टोर करने का तरीका भी मैं आज आपके साथ लेकर आई हूँ। तो चलिए इस फटाफट लाजवाब रेसिपी को देख लेते हैं। तो व्हाइट ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है एक बड़ी साइज की प्याज, जिसे हमने रफली चॉप कट किया है। साथ ही डालेंगे दो हरी मिर्च, 12 से 15 काजू डालेंगे, आप यहाँ पर टुकड़ा काजू भी ले सकते हैं, और डालेंगे आधा ग्लास पानी। पानी डालकर हमें इसे अच्छी तरीके से उबाल आने देना है। जैसे इसमें उबाल आने लगेगा तो इसमें देखिए किस तरीके से फोम आने लगेगा। अब होटल लाइन में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये वाइट ग्रेवी का बेस बनाया जाता है तो तब ये फोम निकाल दिया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर कम क्वांटिटी पे बना रहे हैं तो हमने नहीं निकाला है। अब इसे हम ढककर पकाएंगे लगभग 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं प्याज सॉफ्ट हो चुकी है और प्याज के अंदर का जितना भी स्ट्रॉन्ग स्मेल है वो इस पानी में आ चुका है। अब हमें इसका पानी भी फेंक देना है क्योंकि वाइट ग्रेवी जो है वो बहुत ही स्मूथ, बहुत ही क्रीमी होती है और उसमें प्याज का ज़्यादा फ्लेवर भी नहीं होता है। तो चलिए इसे हम अब स्ट्रेन कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक छन्नी ले ली है, इसके ऊपर हमने ये हमारा जो प्याज और काजू का जो बेस था उसके ऊपर डाल दिया है और पानी को हमें फेंक देना है। इसे ठंडा करने के बाद हमें एक ग्राइंडर जार में डालना है। तो यहाँ पर हमने ग्राइंडर जार ले लिया है और ये बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद ही अब ग्राइंडर जार में डालें। इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसे स्मूथ पेस्ट होने तक हमें ग्राइंड करना है। ये देखिए इसकी पेस्ट बन चुकी है। अब हमें कढ़ाई में फिर से लेना है देसी घी, लेकिन होटल लाइन में देसी घी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ऑयल में या फिर बटर में बनाया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें डालेंगे हम शाह जीरा लगभग आधा टीस्पून, साथ ही इसमें डालेंगे एक बड़ा मतलब काली इलायची, जिसे हम बड़ी इलायची भी बोलते हैं, दो छोटे हमने तेज़पत्ते लिए हैं, दो छोटे टुकड़े हमने दालचीनी के लिए हैं, और तीन हम डालेंगे हरी इलायची जिसे हमने थोड़ा सा खोल लिया है ताकि इसका जो फ्लेवर है वो अच्छे से इस ग्रेवी में आए, और साथ ही डालेंगे दो हरी मिर्च क्योंकि ये ग्रेवी ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है और ज़्यादा मीठी भी ना लगे इसके लिए हमने हरी मिर्च ज़्यादा डाली है। अच्छे से भूनने के बाद डालेंगे एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे भी हमें अच्छी तरीके से भून लेना है ताकि इसका जो रॉ स्मेल है वो हट जाए। जैसे ये अच्छे से भून जाएगी हमें इसमें ये वाइट ग्रेवी का जो बेस है उसे डाल देना है और अच्छे से मिक्स करना है। दोस्तों आज मैं बहुत सारे टिप्स और ट्रिक के साथ ये ग्रेवी बनाने का और इसे स्टोर करने का तरीका लेकर आई हूँ। अब यहाँ पर हमने आधा कप गरम पानी लिया है। जी हाँ, आपको इस ग्रेवी में गरम पानी ही डालना है क्योंकि होटल में गरम पानी डालकर ही ये वाइट ग्रेवी बनाई जाती है ताकि इसका जो टेस्ट है वो ख़राब ना हो और परफेक्ट आपकी ग्रेवी बन जाए। इसे अच्छे से मिलाने के बाद अब हमें इसे अच्छी तरीके से उबाल लाना है। जैसे ये उबाल आने लगेगी इसे हमें ढककर पकाना है और जैसे ये अच्छे तरीके से पक जाएगा लगभग 5 से 7 मिनट के लिए, उसके बाद देखिए इसकी जो ग्रेवी है वो कितनी थिक हो चुकी है, बहुत ही क्रीमी हो चुकी है। लेकिन इसमें और भी ज़्यादा रिच फ्लेवर लाने के लिए हम इसमें डालेंगे दूध। आप यहाँ पर क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन दूध डालना ज़रूरी है क्योंकि दूध डालकर हम इसे और पकाएंगे जिससे इसका टेस्ट और इसमें जो क्रीमीनेस है वो बढ़ जाती है, और होटल में बिल्कुल इसी तरीके से ये वाइट ग्रेवी बनाई जाती है। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप दूध डालकर ये बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब हमें इसे पकाना है, तो यहाँ पर इसे कितना पकाना है और ग्रेवी रेडी कैसे हुई है, इसे कैसे पहचानना है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो फुल आंच पर हम इसे पकने दे रहे हैं और धीरे धीरे ये गाढ़ी हो रही है, लेकिन अभी भी ये थोड़ी सी पतली है। अब यहाँ पर देखिए हमने एक चम्मच ली है और चम्मच में हमने ये ग्रेवी को ली तो चम्मच पर ये कवर हो रही है। अब बैक साइड में भी मैं आपको ये ग्रेवी किस तरीके से चम्मच के ऊपर फोल्ड हो रही है आप देख सकते हैं, मतलब ग्रेवी जो है वो चम्मच पर रुक रही है, वो कवर कर रही है, इसका मतलब ग्रेवी बन चुकी है। मैं आपको फिर से दिखाती हूँ, ये देखिए अगर आप उंगली पर इस तरीके से निशान लगाएंगे तो आपको ये निशान ईजीली चम्मच पर बन रहा है, इसका मतलब ग्रेवी रेडी हो चुकी है।
अब हमें इसे छानना है क्योंकि हमने जो खड़े मसाले जितने भी डाले हैं उसे हमें ग्रेवी में नहीं रखना है। इसे अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है और ये जो मसाले हैं आप बाकी के ग्रेवी में पीस कर डाल सकते हैं। और जो नीचे जो ग्रेवी आ चुकी है बिल्कुल स्मूथ क्रीमी, ये हमारी वाइट ग्रेवी है। अब इसे हमें स्टोर कैसे करना है वो भी देख लीजिए। जैसे ही ग्रेवी बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो जाए तब हमें किसी एयरटाइट जार में डालना है और इसे ढककर आप फ्रीज़र में 1 महीने तक रख सकते हैं, लेकिन आपको इसे अच्छे से ढककर रखना है। एयरटाइट कंटेनर का ही इस्तेमाल कीजिए और जब भी आपको वाइट ग्रेवी, नवाबी पनीर, वाइट ग्रेवी की चिकन या वाइट मटन चिकन जो आपको सब्ज़ी बनानी है बना सकते हैं। बनाने से पहले पैन में थोड़ा सा बटर डालिए, ग्रेवी को डालिए, इसे अच्छे से उबालिए। मतलब इसमें जैसे उबाल आएगा हमें इसमें पनीर डालना है क्योंकि आज मैं पनीर बना रही हूँ, मतलब नवाबी पनीर बना रही हूँ। इसे आप वाइट ग्रेवी वाला पनीर भी कह सकते हैं, वाइट पनीर कोरमा भी बोल सकते हैं। थोड़ा सा डालेंगे इसमें हम नमक हमारे स्वाद अनुसार, अच्छे तरीके से मिक्स करना है और फटाफट जैसे इसमें एक उबाल आएगा हमें इस ग्रेवी को सर्व करना है। तो इस तरीके से प्रिपरेशन करके आप घर पर बहुत ही मज़ेदार ग्रेवीज बनाकर रख सकते हैं। जब भी आपके घर में मेहमान आए फटाफट आप ये शाही सब्जी बनाकर दे सकते हैं। ये देखिए मैं इसे सर्व कर रही हूँ, कितनी लाजवाब, बिल्कुल होटल जैसी बनी है। इसके ऊपर हमें थोड़ा सा चिली ऑयल डालना है ताकि इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाए। साथ ही इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी केसर और ये है हरे धनिए का एक छोटा सा पत्ता हमने रखा है। तो ये हमारी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है जो कि खाने में बहुत ही जायकेदार है और बहुत ही कम दाम में आप इतनी लाजवाब सब्जी घर पर बना सकते हैं, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में, रेस्टोरेंट टेस्ट में। तो इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, कैसे लगे हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना दोस्तों बिल्कुल भी ना भूलिएगा।